वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एक कंटेम्पररी इशू, और वो कंटेम्पररी इशू है जोशीमठ क्राइसिस। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है जोशीमठ क्राइसिस के बारे में। इससे के पहले सारे जो हमारे सेशन थे वो ट्रेडिशनल टॉपिक हुआ करते थे, लेकिन अभी ये जो है जोशीमठ क्राइसिस हम लोग बात करेंगे। और जोशीमठ क्राइसिस से आज पूरा भारत जो है इससे वाकिफ है कि जोशीमठ में क्या हो रहा है। तो अभी तक इसका कारण तो ज्ञात नहीं हो पाया है। जो घटनाएं जोशीमठ हम देखने को मिल रही है, जो प्राकृतिक आपदा वहां दिख रही है, उसका कारण तो ही पता नहीं चल पा रहा है। कई थ्योरीज अभी हमारे जो बीच में है उन सबको बात करते हुए पहले हम लोग बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जोशीमठ का लोकेशन क्या है। लेकिन उससे पहले बता दें कि जोशीमठ जो है भारत का एक धार्मिक और ऐतिहासिक शहर है, जो कि भारत के चार मठों में से एक मठ जो है वो है जोशीमठ। और इसका अगर इसके कारण को समझना, जोशीमठ में जो घटना हो रही है उसके पीछे कारण को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा अगर हम लोग उसके लोकेशन को समझ लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे लोकेशन के बारे में और उसके कारण के बारे में कि जो जोशीमठ में जो घटना घट रही है उसके क्या कारण इसमें से हो सकते हैं। तो संभावित कारण यहाँ दिया हुआ है। पहला है नेचुरल कॉजेज, सेकेंड है आर्टिफिशियल कॉजेज और एंथ्रोपोसेंट्रिक कॉजेज। अब नेचुरल कॉजेज में है, हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, दूसरा बात करेंगे मास मूवमेंट और मास ट्रांसलोकेशन के बारे में, और थर्ड हमारा है वो है टो कटिंग के बारे में, और इसके बाद आर्टिफिशियल या एंथ्रोपोसेंट्रिक कॉज है। इसकी चर्चा करेंगे, उससे पहले हम लोग जो है लोकेशन के बारे में समझ लेते हैं। ये हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा विशाल हिमालय है वो भारत के उत्तर में अवस्थित है, और ये हिमालय श्रृंखला में जो है तीन भागों में बांटा जाता है हॉरिजेंटली। वो है महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो महान हिमालय और लेसर हिमालय के बीच एक यहाँ पर थ्रस्ट है जिसे हम लोग बोल देते हैं, जिसे कहा जाता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये क्यों बना, कैसे बना, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का ये एक अलग टॉपिक होता है। लेकिन समझ लीजिए कि चूंकि जो सतह पर चट्टाने होती हैं, चट्टानों में वलन होगा या व्रंशन होगा, यानी कि फोल्डिंग होगी या फॉल्टिंग होगी, वो सतह के चट्टान के प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर चट्टान सतह की इलास्टिक है तो वहाँ फोल्ट बनते हैं, अगर वो फ्रेजाइल नेचर के हैं तो वहां पर थ्रस्ट बनते हैं या फॉल्ट बनेंगे। तो यहां पर जो हम ये समझते हैं, एक तो कॉन्सेप्ट हमारा है प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, वो बात करेंगे पहले कारण के बारे में। तो ये समझिए कि हमारा ग्रेट हिमालय है, ये हमारा लेसर हिमालय है और हमारा शिवालिक हिमालय है। महान ग्रेट हिमालय लेसर हिमालय के बीच एक थ्रस्ट है जिसे हम लोग बोल देते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लेसर और शिवालिक के बीच एक थ्रस्ट है, रदर थ्रस्ट है जिसे हम लोग बोल देते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और शिवालिक और महान मैदान के बीच जो थ्रस्ट उसे हम लोग बोल देते हैं HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। और महान हिमालय के उत्तर दिशा में जो हमारा ट्रांस हिमालयन जो पर्वत श्रृंखला है उसके बीच में एक फॉल्ट बनता है जिसे हम लोग बोल देते हैं इंडस सांगपो सुचर जोन, ये भी एक फॉल्ट है। लेकिन इसमें से हमारे लिए महत्वपूर्ण है जानना MCT के बारे में, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बारे में, क्योंकि जो जोशीमठ है वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बीच में ही अवस्थित है। ये हमारा महान हिमालय हो गया, और महान हिमालय के अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है और इधर हमारा हो गया साउथ डायरेक्शन, तो नॉर्थ डायरेक्शन अगर ये है तो ये हमारा स्लोप का हो गया नॉर्थ स्लोप और ये हो गया साउथ स्लोप। तो जो जोशीमठ है वो महान हिमालय के साउथ स्लोप के निचले भाग में अवस्थित है, निचले हिस्से में अवस्थित है। और ये जो जोशीमठ अवस्थित है, जोशीमठ जो यहाँ पर अवस्थित था वो जो दक्षिणी भुजा है महान हिमालय की, जो साउथ लिंब है, ये साउथ लिंब हुआ ग्रेट हिमालय का, साउथ लिंब से कुछ चट्टानों के कुछ नहीं बहुत बृहद मात्रा में लैंडस्लाइड के परिणाम स्वरूप आज से हजारों साल पहले लैंडस्लाइड हुआ, और लैंडस्लाइड से जो मलबा आए टूट करके उनके यहाँ जमा हुआ है इसके पिटबॉन्ट एरिया में, इसके पिटबॉन्ट एरिया में जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय के निचले भाग में इसका जमाव हो गया है। इसी जमाव पर आज के समय में जोशीमठ अवस्थित है। लैंडस्लाइड्स डेवरेज कंप्राइजिंग बोल्डर्स निस रॉक्स एंड लूज स्वाइप्स ये यहाँ पर जमा है, और ये अभी भी जो है बांगर प्रकृति, इनके जो स्वाइल और बांगर प्रकृति का है, और ये पूरी तरह से अनकंसोलिडेटेड है, कंसोलिडेट नहीं हो पाया, संगठित नहीं हो पाया, चट्टान का रूप नहीं ले पाया है।
यहाँ की मृदा जो है काफी कमजोर है, इसी के ऊपर जो है ये जो डेब्रिस जमा है इसी के ऊपर हमारा जो है जोशी मठ अवस्थित है। इसको हिमालय के दक्षिण भुजा भी कहा जा सकता है या महान है और लघु हिमालय के बीच के भाग को, लेकिन है कहां पर, यह मेन सेंट्रल थ्रस्ट के भाग में। तो ये हमारा हो गया जोशी मठ की एक्चुअल लोकेशन। अब बात करते हैं कि जो अगर हम उत्तराखंड के मैप की बात करें तो ये उत्तराखंड का मानचित्र है, ये हमारा ग्रेट हिमालय है, ये हमारा लेसर हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय है और यहां से गुजरता है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालयाज और ट्रांस हिमालयाज का ये जो जास्कर रेंज है, जास्कर कौन सा है, ये हमारा जास्कर रेंज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेट हिमालय, इसके नीचे साउथ में लेसर हिमालय, उसके साउथ में शिवालिक हिमालय है और इसी ग्रेट और शिवालिक के बीच में हमारा यहाँ पर जोशी मठ है जिसको हमने दिखाया है जोशी मठ। तो ये हमारा लोकेशन है। अब जोशी मठ में जो घटनाएं घट रही उसके पीछे क्या कारण है, अब सभी कारणों का हम लोग पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सा कारण वर्तमान समय में ज्यादा तरीके से प्रभावी है जिसके कारण ये घटना हमें देखने को मिल रही है। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं इनके कॉजेस के बारे में। तो जोशी मठ क्राइसिस की व्याख्या हम लोग पहले प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर देखते हैं कि क्या इस आधार पर थ्योरी की जो हमारा कॉन्सेप्ट इस पर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि महान हिमालय जो हमारा हिमालय है उसकी उत्पत्ति इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों के कन्वर्जन से हुआ है। दोनों प्लेट आपस में कन्वर्ज करते हैं, कन्वर्ज करने के क्रम में चूंकि इंडियन प्लेट बहुत बड़ा है और डेंसिटी भी अधिक है इसकी वजह से ये इसका यूरेशियन प्लेट के नीचे की तरफ सबडक्शन हो जाता है, लेकिन ये सबडक्शन का एंगल होता है 45 डिग्री से कम होता है, इसी कारण ये बेनी ऑफ जोन तक नहीं जा पाता है ये सबडक्टेड पार्ट इंडियन प्लेट का। तो होता क्या है, ये जब 45 डिग्री से कम पर होता है और इसके साथ साथ जब होता है तो एनर्जी और मटेरियल यहाँ का जो होता है वो ऊपर की तरफ आने का कोशिश करता है। अगर ये 45 डिग्री से अधिक पर होता तो एनर्जी और मटेरियल रहते हैं उसमें भी, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं रहेंगे लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या है कि एनर्जी और चूंकि वो मेंटल तक चले जाते हैं बेनी ऑफ जोन तक, लेकिन ये जो है एनर्जी और मटेरियल ऊपर की तरफ आते रहते हैं जब सबडक्शन होता है तो, और ये एनर्जी और मटेरियल जो है समय समय पर बाहर की तरफ निकलते हैं जिससे कि अर्थक्वेक जैसी घटना हमें देखने को मिलती है। जो जोशी मठ है वो गढ़वाल हिमालय का पार्ट है और गढ़वाल हिमालय में कई दशकों से बहुत बड़े स्केल का भूकंप देखने को नहीं मिला है। बड़े स्केल के भूकंप हमें उत्तरी पूर्वी भारत में देखने को मिलते हैं, नेपाल तक देखने को मिला है, लेकिन गढ़वाल हिमालय में हमें देखने को नहीं मिला है। हालांकि दिल्ली के आसपास में भूकंप आते हैं तो कम, उनके झटके जो होते हैं बहुत तीव्र वाले नहीं होते हैं, उसके रिचर स्केल पे जो बहुत कम के होते हैं, लेकिन 7 या 7 से गढ़वाल हिमालय के भाग में नहीं आया हुआ है। तो एक संभावना ये हो सकती है कि चूंकि इंडियन प्लेट इधर की तरफ सबडक्ट हो रहा है और एनर्जी और मटेरियल का निरंतर उसमें अक्यूमुलेशन हो रहा है तो एक तीव्र बहुत अधिक तीव्रता वाले भूकंप से आने के पहले का एक पूर्वाभ्यास हो सकता है। भारतीय उत्तरी पूर्वी भारत में ही क्यों अधिक तीव्रता वाले या नेपाल के उत्तरी भाग में ही क्यों अधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं, उसका कारण यह है कि जो भारतीय प्लेट है इसका डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ है और ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है और इसकी गति जो है 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। तो भारतीय प्लेट 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील है, इसी वजह से इस वाले भाग में अधिक तीव्रता वाले भूकंप हमेशा प्रायः देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सबडक्शन होता है वो काफी तीव्र गति से होता है बाकी अन्य भारतीय प्रदेशों की तुलना में, तो इसलिए वहां पर आते हैं। लेकिन जब उधर सबडक्शन हो रहा है, ठीक है कि कुमाऊं हिमालय में कम सबडक्शन हो रहा है लेकिन लंबे समय तक चूंकि बहुत तीव्रता वाले भूकंप नहीं आए हैं तो वहां पर निरंतर सबडक्टेड प्लेट का अक्यूमुलेशन हुआ है, एनर्जी और मटेरियल वहां पर अक्यूमुलेटेड है और एनर्जी और मटेरियल जो है आने के लिए कोशिश करेंगे जिससे कारण बहुत तीव्रता वाले भूकंप आएंगे और जब बहुत तीव्रता वाले भूकंप आएंगे तो जोशी मठ स्वाभाविक रूप से नीचे की तरफ धस जाएगा, उसका सब्सिडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा प्लेट टेक्टोनिक पर आधारित जोशी मठ क्राइसिस के बारे में व्याख्या। अब हम लोग बात करते हैं मास मूवमेंट के बारे में कि मास मूवमेंट से कैसे इसकी व्याख्या की जाएगी, आइए इसको देखते हैं।
जोशी मठ की घटना को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मास मूवमेंट या मास ट्रांसलोकेशन भी जिम्मेदार है क्या इसके लिए, या हो सकता है क्या। तो मास मूवमेंट या मास ट्रांसलोकेशन को हिंदी में सामूहिक स्थानांतरण कहते हैं। सामूहिक स्थानांतरण का तात्पर्य होता है जब किसी ढाल के सहारे तुच्छी चटाने जब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है, तो उसे हम लोग बोल देते हैं मास ट्रांसलोकेशन। अब मास ट्रांसलोकेशन में चट्टानों का स्थानांतरण जो होता है सामूहिक रूप से होता है, समूह में एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है। इसमें जो एजेंट ऑफ इरोजन होते हैं उनकी इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। तो जो मास ट्रांसलोकेशन है, सामूहिक स्थानांतरण है, इसको हम लोग बांटते हैं वेरी रैपिड मूवमेंट, स्लो स्लाइड और रैपिड स्लाइड। तो जोशी मठ की घटना के लिए हम लोग इसकी व्याख्या जो है स्लो स्लाइड के आधार पर करने के, चूंकि वेरी रैपिड मूवमेंट इसमें जल की आवश्यकता नहीं होती है, इन द एब्सेंट ऑफ वाटर में ये होता है, इसके आधार पर इसकी व्याख्या नहीं करना, चूंकि जोशी मठ की जो स्थिति है वहां जल के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। और ये जो है इसकी व्याख्या उस आधार पर की जा सकती है, लेकिन चूंकि फिलहाल की जो इसके लिए परिस्थितियां नहीं है। अब स्लो स्लाइड है, इसमें लेस वाटर की आवश्यकता होती है और इसमें रॉक क्रीप है, सॉइल क्रीप है और सोलिफ्लक्शन है। तो ये जो होता है स्लो स्लाइड जिसमें कि बहुत जल कम जल की आवश्यकता होती है, उसमें से जो सॉइल क्रीप की हमारी घटना है, सॉइल मृदा सरपण, ये इसके लिए जिम्मेदार है, जोशी मठ की घटना के लिए जिम्मेदार हो सकती है। होता क्या है, चूंकि इस प्रकार के वहां साक्ष्य मिले हैं कि वहां के जो वृक्ष है, प्रायः हम लोग देखते हैं कि अगर ये कोई अगर इस प्रकार से कोई ढाल है तो वृक्ष हम देखते हैं कि इस प्रकार से खड़े होते हैं, वृक्ष कैसे लाएंगे, इस प्रकार से खड़े रहेंगे। लेकिन जोशी मठ की जो स्थिति है वहां पर देखा गया है कि जो वृक्ष हैं वो उनके निचले भाग में, निचले भाग की जो स्थिति है वो हॉकी स्टिक के समान है, हॉकी स्टिक के समान इस प्रकार से मुड़े हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सतह है वो लंबे समय से स्थानांतरित हो रही है। वहां पे क्या हो रही है, सॉइल क्रीप की घटना हो रही है, वहां का मृदा सरपण हो रहा है, मृदा धीरे धीरे अपने जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित हो रही है। तो इस प्रकार की वहां पे वृक्षों की स्थिति बता रहा है कि वहां पर सॉइल क्रीप की घटना हो रही है। अब ये जोशी मठ के भी जो ढलान जो घटना दिख रही है, इसे पता चलता है कि सॉइल क्रीपिंग जो है उसमें गति आ गई है। जब इसी में जब स्लो स्लाइड है, इसमें जब जल की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो वही सॉइल क्रीप जो है हो सकता है कि आगे भविष्य फ्यूचर में वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, अर्थ फ्लो और मड फ्लो में, जो कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जोशी मठ में हो सकता है। और सॉइल क्रीप तो वहां पे है ही, और जल की बहुलता जब हो जाएगी तो अर्थ फ्लो और मड फ्लो में बदल जाएगा, जिसके कारण पूरा का पूरा शहर ही क्या हो जाएगा, सफिडेंस हो जाएगा, उसका सिंकिंग हो जाएगा। तो ये था मास मूवमेंट के आधार पर। लेकिन इसके पहले एक में मैं बता दूं कि मास मूवमेंट के लिए जो जिम्मेदार कारक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो है गुरुत्व, गुरुत्व और दूसरा है जल, गुरुत्व और जल। गुरुत्व गुरुत्व के कारण ही जो है, हमने परिभाषा भी दिया कि गुरुत्व के प्रभाव से किसी ढाल के सहारे, तो गुरुत्व के कारण ही जो है मास मूवमेंट होता है। जल उसमें लुब्रिकेंट स्नेह की भांति काम करता है, उसी गति को तीव्र कर देता है। अच्छा, एक ये भी है कि जब किसी स्थान विशेष पे जल की उपलब्धता बहुत अधिक हो जाती है तो वहां के मृदा का वजन बढ़ जाता है। जब मिट्टी जो है जब जल को सोखती है तो मिट्टी का भार बढ़ जाता है। और दूसरा, किसी स्थान विशेष पे जब निर्माण कार्य बहुत अधिक बढ़ जाता है तब भी मिट्टी का किसी स्थान विशेष का भार बढ़ जाता है, जिसके कारण मृदा वहां से खिसकने लगती है, वृक्षों का अभाव होना, ये सब। तो ये सारे के सारे कारण जो है हमारे जोशी मठ में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से सॉइल क्रीपिंग की घटना हुई है। और हो सकता है कि जिस प्रकार से हमें इसरो के द्वारा रिपोर्ट मिल रहा है कि 5.5 से लेकर 5.7 सेंटीमीटर कुछ ही हफ्तों में नीचे की तरफ धस गया है, तो हो सकता है कि वो जो है अर्थ क्रीप और मड फ्लो में अर्थ फ्लो और मड फ्लो में बदल जाए, चूंकि बहुत सारे वहां पे जो जल के स्रोत है उन वो जल भी वहां से नीचे की तरफ वो गतिमान है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, मृदा का सारा जल को सोख लेगा और मृदा एक्सपेंशन हो जाएगा और मृदा स्लाइड करने लगेगा गुरुत्व बल के कारण। तो ये भी हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर। ये था मास मूवमेंट और ट्रांसलोकेशन के आधार पर जोशी मठ की घटना का व्याख्या। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे कारण पर, वो है टो कटिंग।
तो आइए देखते हैं कि टोक कटिंग किस प्रकार से जोशीमठ की घटना के लिए जिम्मेदार हो सकती है। अब हम लोग देखते हैं जोशीमठ क्राइसिस को टोक कटिंग के आधार पे कि नदिया जो टोक कटिंग करती है उसका क्या योगदान हो सकता है, क्या वो भी जिम्मेदार है जोशीमठ क्राइसिस के लिए। तो ये आप डायग्राम देखने से लग रहा होगा कि ये नदी के ये दोनों किनारे हैं और बीच में नदी यहाँ प्रवाहित हो रही है। जब जोशीमठ की बात करती है इधर से अलकनंदा आती है, उधर से धौलागिरी नदी आती है, धौली गंगा नदी आती है और अलकनंदा में आकर के धौली गंगा मिल जाती है और ये मिलती है जोशीमठ के थोड़ा सा हल्का सा हम जोशीमठ के किनारे में ही मिलती है। इधर यहाँ तो विष्णु प्रयाग है, ये जगह जो विष्णु प्रयाग मिलती है लेकिन विष्णु प्रयाग जस्ट बगल में जोशीमठ है। तो जब ये नदी आकर के यहाँ पर दोनों नदियां मिलती है तो करती क्या है कि नदी की जल की तीव्रता और मात्रा दोनों बढ़ जाती है। तो जोशीमठ के आसपास अगर जोशीमठ के मान लीजिए जोशीमठ है ये जगह है और जोशीमठ हो सके नदी गुजरती है, यहां अलकनंदा ये गुजर रही है, अलकनंदा गुजर रही है तो नदी ये टो ये क्या हो जाएगा, नदी का ये क्या हो जाएगा, ये पर्वतीय भाग है तो ये पर्वतीय भाग इसका पर्वत ये टो हो गया, ये क्या हो गया टो हो गया। और ये नदी जो है बहुत तीव्रता के साथ चूंकि ढाल अधिक है तीव्रता के साथ इसकी कटाई करती है, इसको कटना शुरू कर देती है दोनों तरफ से। जब ये नदी दोनों तरफ से कटना शुरू कर देती है तो इसके ऊपर की ये मलबों के टिकने का जो डेब्रिज है उसका आधार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो जब नीचे से जब कट जाएगा तो ये डेब्रिज क्या होगा, अपने जगह से विस्थापित होने लगेगा, सरकने लगेगा, उसमें दरार उत्पन्न होने लगेंगे, ठीक है। और ये दरार जब उत्पन्न होने लगेंगे तो ये नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं। तो जोशीमठ की घटना में एक ये भी एक संभावित कारण हो सकता है कि अलकनंदा और जो धौली गंगा आपस में मिलती है आगे की तरफ बढ़ती है तो उसके द्वारा जो टो कटिंग की जाती है जोशीमठ के आसपास, जिसके कारण चूंकि शुरुआत ही बता चुका हूँ कि मैं जोशीमठ जो है एक बहुत बड़े लैंड स्लाइड हुआ है और उसके मलबों के जमाव जो हुए हैं उसी के ऊपर शहर बसा हुआ है। तो जब उसी मलबे का निचले भाग का जब टो कटिंग किया जा रहा है तो उसका आधार जो समाप्त होता जा रहा है तो ऊपर से वो नीचे की तरफ खिसक रही है या नीचे की तरफ दब रही है, सब्सिडेंस हो रहा है। तो ये भी एक संभावित कारण हो सकता है जोशीमठ की क्राइसिस के लिए, जोशीमठ की घटना के लिए टो कटिंग ठीक है। ये अब हम लोग बात करते हैं कारण में आर्टिफिशियल कि क्या जोशीमठ की घटना में कोई आर्टिफिशियल कारण भी है जिसे एंथ्रोपोसेंट्रिक कारण भी कहा करते हैं, क्या वो भी जिम्मेदार है। आइए देखते हैं कि जोशीमठ की घटना के लिए कृत्रिम कारण क्या है। अंतिम जो कारण जिम्मेदार हो सकता है जोशीमठ क्राइसिस के लिए वो है तपोवन विष्णु घाट पावर प्लांट, जो कि आर्टिफिशियल कॉज है, एंथ्रोपोसेंट्रिक है। तो तपोवन विष्णु घाट पावर प्लांट जो परियोजना है ये शुरू किया गया है धौली गंगा और अलकनंदा को आपस में जोड़ने के लिए एक, ठीक है। और यहां से जो है धौली गंगा से एक टनल बनाना का काम शुरू किया गया है, हालांकि विष्णु घाट की तरफ से ही बन रहा है और ये दोनों को आपस में लाकर के मिला दिया जाएगा। इसी टनल के द्वारा जो है इस टनल के द्वारा विष्णु घाट के जल का प्रयोग सिलांग नामक स्थान पर पावर प्लांट के लिए किया जाए, पावर प्लांट जो है इस जल का प्रयोग करेगा और जो बाकी जो शेष बचा हुआ जल रहेगा वो आकर के अलकनंदा में मिल जाएगा विष्णु घाट के पास। अब ये टनल जो काम जो लगा हुआ काम पिछले सदी समय से इस टनल पर काम हो रहा है, ये टनल जोशीमठ के जस्ट नीचे तो नहीं है लेकिन उसकी कुछ दूरी पर है जोशीमठ शहर से, लेकिन जिस जगह पर यह टनल बनाया जा रहा है वो टनल की मृदा या चट्टान उसी प्रकार से है जिस प्रकार की जोशीमठ की है। वो किस प्रकार की है, जो कि बहुत बड़े लैंड स्लाइड के द्वारा जो मलबा लाया गया उन मलबे के जमाव से जो भूमि निर्मित हुई है उसी भूमि पर नीचे काट करके बीच में काट करके टनल बनाया जा रहा है। ये पूरी तरह से पक्की मिट्टी नहीं है, कच्ची है, चट्टान का रूप नहीं ले पाया है। तो ये भी एक कारण हो सकता है जो जोशीमठ के भी क्राइसिस जो उत्पन्न हुआ है वो उसके लिए एक जिम्मेदार जो टनल भी हो सकता है। इस टनल के बनने के परिणाम स्वरूप जो भी जोशीमठ के आसपास के जो वाटर रिजर्वायर वाटर जो बॉडीज थी
वाटर बॉडीज से, कई वाटर बॉडीज से जल जो है रिस करके वो नीचे की तरफ अंडरग्राउंड वाटर का भाग मिले, वहां से रिस करके दूसरी जगह स्थानांतरित हो गया है। तो ये जो जल रिस करके दूसरी जगह गया है उसने मृदा को पकड़ को कमजोर किया है, जो कि भूमि को खिसकने में दरकने में कारगर साबित हुआ हो सकता है। अब किया तो नहीं, पूरी तरह से नहीं किया सकता, ये रिसर्च की भी रिसर्च का काम है, कमेटी बनेगी, रिपोर्ट आएगा। लेकिन हालांकि एनटीपीसी ने इस कारण को पूरे सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन मैं यही चार जो कारण है, इसी चार कारणों में से कोई कारण हो सकता है। हालांकि दो वर्गों में बांट दिया है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल हम लोगों ने देख लिया है इसके लिए प्लेक्टोटोनिक जिम्मेदार है कि नहीं जिम्मेदार, या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दूसरी बात हम लोगों ने देखा है मास मूवमेंट के बारे में, वो कितने हद तक जिम्मेदार हो सकता है। तीसरे हमने नदी के द्वारा टो कटिंग की बात की, और आर्टिफिशियल में हमने बात कर दी तपोवन विष्णुघाट वाटर टनल के बारे में, जिसके द्वारा ये जो तपोवन विष्णुघाट पावर प्लांट संचालित किया जाएगा। ये चार, यही चार कारणों में से कोई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। जब इस जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, तो पता चलेगा कि कौन से इसके लिए जिम्मेदार कारण हैं। तो मुझे लगा कि हम लोग ट्रेडिशनल तो सेशन चलता ही रहता है, कुछ ऐसे भी विधेय बनाया जाए जो कि कंटेम्पररी हो। तो मुझे लगता है कि आपको इस सेशन से काफ़ी लाभ मिलेगा और एक समझ भी आपकी विकसित होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।